आज मैं बताऊंगी 32 साइज के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये हमारा अस्तर और मेन कपड़ा है, तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेंगे, बाद में इसको रख के हम मेन कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। तो जैसा कि हमारे ब्लाउज में अस्तर को डबल फोल्ड करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी डबल फोल्ड कर देंगे और सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ 32 का चौथाई भाग ले रही हूँ, तो 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। 8 इंच पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब अपने हिसाब से 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख सकते हैं। और ये देखिए, सिलने के बाद ये जो हमारी ब्लाउज की लंबाई होगी 12.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, 14 इंच पर निशान लगा दूंगी। ये सिलने के बाद जो है हमारा 12.5 पे लंबाई पे तैयार हो जाएगा। आपको अपनी जितनी लंबी ब्लाउज रख रही हो आप उसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। उसके बाद हम इसका 6 इंच का कंधा लेंगे, तो 6 इंच पे मैंने ऐसे कंधे का निशान लगा दिया है। 3 इंच में गले की गहराई के लिए लूँगी। अगर आपको डीप गला नहीं बनाना है तो आप 2.5 इंच लीजिए। उसके बाद मैं इसका जो आर्म होल है वो है 5.5 इंच का लूँगी। तो 5.5 पे ऐसे निशान बना के ऐसे चौकुटा निशान बना देंगे, फिर हम फिटिंग वाले निशान को डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल के लिए भी मैंने चौकुटा निशान बना दिया है। अब हम पीछे वाला गला जो इसका लेंगे वो लेंगे 11 इंच। आपको पीछे वाला गला जितना आपको लंबा पसंद हो आप उतना ले लीजिए अपने ब्लाउज से मेजरमेंट करके। तो ये मैं 11 इंच पीछे का गला लूँगी, तो मैं 11 इंच पे निशान लगा के ऐसे चौकुटा निशान बना दूँगी। चौकुटा निशान बनाने से ये होता है कि हम इसमें कोई भी शेप आसानी से दे देते हैं, और जो हमारा गला है चाहे जो भी हमारी डिज़ाइन है आगे पीछे नहीं होती है। फिर हम आर्म होल में 1 इंच लेके गोलाई का शेप दे देंगे। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मैं पीछे वाले आर्म होल में 1 इंच ली हूँ, आगे वाले में 1/2 इंच लूँगी, जिससे कि जो हमारा झोलाता है वो झोलना है। और फिर हम गले में 1/2 इंच लेके से गोलाई का शेप दे देंगे। आप गले में 1 इंच पे भी गोलाई का शेप दे देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस आर्म होल में ध्यान रखना है। फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, तो ये हमारी बैक हुक ब्लाउज है, तो इसको मैं पीछे से बाद में अलग करूँगी सिलते टाइम, अभी मैं इसकी नॉर्मल कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गया है, अब हम करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग। तो आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं एक बात यहाँ पे आपको बहुत मेन बात बताना चाहती हूँ, हमको फिटिंग वाले साइड में पीछे वाले से 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो वो क्यों एक्स्ट्रा लेना है मैं बताऊँगी, तो देखिए मैं बता दे रही हूँ, ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फिटिंग पीछे वाले पार्ट से एक्स्ट्रा। उसके बाद हम जो हमारी पीछे वाले की लंबाई थी उससे भी यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जैसे हमारी वो पीछे वाले की लंबाई थी 14 इंच, तो मैं यहाँ 15 इंच पे लंबाई का निशान लगाऊंगी, और उसका जो कंधा है हम उतना ही रखेंगे 6 इंच का ही, और 3 इंच गले की गहराई। और उसके बाद हम आगे का गला लेंगे 6.5 इंच का, आपको जितना आगे का लंबा गला पसंद हो आप रख सकते हैं, लगभग 6 या 6.5 का ही गला होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच का आर्म होल जैसे हमने पीछे लिया था। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताऊँगी, तो देखिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे गोलाई का शेप दूँगी। मैं बताई थी कि 1/2 इंच पे क्यों शेप देना है, जिससे कि हमारा ये झोल नहीं आएगा। फिर हम गले में तो कितना भी पे हम ऐसे गोलाई का शेप दे सकते हैं। तो इसको हम नॉर्मल जैसे सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे। फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो हमारा प्रिंसेस कट का जो मेजरमेंट या उसका कैसे निशान लगाया जाता है। तो ये हमने नॉर्मल ब्लाउज के जैसे कटिंग कर लिया है। अब देखिए गले वाले साइड से आपको ध्यान देना है, गले वाले साइड से हमको 4 इंच लेना है, फिटिंग वाले साइड से नहीं लेना है, गले वाले साइड से। फिर 3 इंच ऊपर से हमको 4.5 इंच लेना है, तो 3 इंच ऊपर पहले निशान बना लेंगे, फिर यहाँ से 4.5 इंच लेंगे। और फिर देखिए जो आर्म होल का बिल्कुल सेंटर है, बीच है, वहीं से इन सारे निशान को ऐसे हमको मिला देना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वैसे ही सारे निशान को मिला देना है। ये देखिए हमारा निशान लग गया है। फिर अब इस बार हमको फिटिंग वाले साइड से 1.5 इंच लेना है, फिर 1.5 इंच लंबा लेना है। यह हमारा प्लेट का निशान है, जैसे हम सादा ब्लाउज में प्लेट का निशान डालते हैं, प्लेट डालते हैं फिटिंग के लिए, वैसे ही हम ऐसे प्रिंसेस कट में भी प्लेट का शेप देते हैं। तो ये देखिए हमने प्लेट का शेप दे दिया, और देखिए यहीं पे 1.5 इंच हमारा वो एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ध्यान से लेना है, 1.5 इंच या 2 इंच। तो ये देखिए ये हमारा आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे बचे हुए अस्तर से बाजू की। तो बाजू के लिए हम पहले अस्तर को ऐसे 2 फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले 2 फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इसको 4 फोल्ड करेंगे, फिर ये जो मेरी बाजू की लंबाई रहेगी वो रहेगी 4 इंच। तो 4 इंच पे निशान लगा देंगे, और नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हम नीचे निशान लगा देंगे। और ये जो बाजू की गहराई होगी वो होगी 9 इंच, तो 9 इंच पे ऐसे निशान लगा, 9 इंच लेके ऐसे हमको देख लीजिए ऐसे ही बाजू का निशान डालना है आपको। तो ये मैंने बाजू का निशान लगा लिया है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से बिल्कुल कम नहीं रखना है, वही हमारा बाजू खींच के छोटा हो जाता है। तो आप लोग फिर सोचते हैं कि मैंने बाजू तो उतना ही लंबा रखा था, फिर छोटा कैसे हो गया। अगर नीचे बहुत ज़्यादा आप लोग काट देंगे तो खींच के ऊपर चढ़ जाता है। तो आपको नीचे बिल्कुल ज़्यादा नहीं काटना है, ऊपर वाले से 1.5 इंच कम काटना है। फिर हम इसको डबल फोल्ड पहले मेन कपड़े को करेंगे, फिर उस पर रख के कटिंग कर लेंगे।
तो ये मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर लिया है और एक साथ स्टिचिंग कर दिया है। तो अगर आपको पूरा जो हमारा डिटेल में इस वीडियो को देखना है, अगर डिटेल में आपको सीखना है, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है कि कैसे हमको कपड़े को सिलना है। तो ये देखिए, मैंने आगे वाले पार्ट को लेके इसके ऊपर से मैं इसको सिलना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, बिल्कुल ये दोनों कपड़े को हमको एक साथ एक बराबर रख के ही सिलना है, किसी को आगे पीछे नहीं करना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप लोग आगे पीछे करेंगे तो वहाँ पे झोल आने लगता है और खींचा खींचा सा दिखता है, फिर हमारी फिटिंग भी सही नहीं आती है। तो भले टाइम लगे, लेकिन दोनों कपड़े को बिल्कुल बराबर एक साथ रख के ही स्टिचिंग करना है। तो ये देखिए, जो हमने प्लेट का यहाँ निशान लगाया था, उसकी वजह से यहाँ पर कितना अच्छा कफ निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप भी सिलेंगे तो आपकी जो फिटिंग है बिल्कुल सादा ब्लाउज के जैसे भी आएगी। फिर हम दूसरे वाले साइड में भी ऐसे इसके ऊपर से रख के इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल किसी भी कपड़े को आगे पीछे नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही रख के स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये हमने दोनों साइड से ऐसे इसको अटैच कर लिया है। अब नीचे मैं इसको फोल्ड करूँगी, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसलिए मैं इसको इसी कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। अगर आपको तुरपाई वाला पसंद हो या छोटा हो, तो आप दूसरी पट्टी अस्तर की लेके और इसको यहाँ पे एक रफ स्टिचिंग लगा के और आप उसको तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको वैसा पसंद नहीं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा है इसी को हल्का सा फोल्ड कर दे रही हूँ। इससे हमारी आगे की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, ये हमारा आगे वाला पार्ट रेडी है। अब हम देखिए पीछे वाले पार्ट को, मैं बताई थी कि ये बैक हुक ब्लाउज है, तो इसको मैं बाद में अलग करूँगी। तो पहले इसको बिल्कुल अच्छे से एक बराबर फोल्ड करना है, फिर ऐसे बीच से इसको अलग कर लेना है। पहले भी आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा दिक्कत आता है सिलने में, तो आप लोग नए हैं तो इसलिए सिलने के बाद ही अलग करिए। फिर मैं अस्तर के लगभग 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले रही हूँ और इस पट्टी को ऐसे बीच से अलग कर दूँगी। ये मैंने दोनों साइड के लिए पट्टी लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक वाली पट्टी लगाऊंगी, जहाँ हमारा हुक अटैच होता है। तो ये हुक वाली पट्टी को ऊपर से अटैच करना और नीचे के साइड फोल्ड करना। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ये जो पट्टी है उसको ऊपर से फोल्ड किया है, तो ऊपर से फोल्ड किया है फिनिशिंग के लिए, फिर हमको नीचे से भी वैसे ही फोल्ड करना है ऊपर के साइड। तो ये आपको करना ज़रूरी है जिससे कि हमारी फिनिशिंग आएगी। तो ये मैंने दोनों साइड से देखिए अस्तर को फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम ऐसे नीचे के साइड फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, मैं नीचे के साइड इसको फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा ले रही हूँ, यहाँ हमारा हुक अटैच होगा। तो देखिए, ये मैंने हुक वाली पट्टी को अटैच कर लिया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। तो देखिए, फिनिशिंग के साथ ये हो गया है। अब फिर हम बचे हुए पट्टी को इधर जो हमारी जो काज होती है उसको बनाएंगे। तो इसको भी ऊपर से फोल्ड करना है, इसको ध्यान रखना है, इसको नीचे से लगाना है, अस्तर वाले साइड से लगाना है, और मेन कपड़े के साइड ये हमारा फोल्ड होगा। और इसको भी नीचे से भी हमको फोल्ड कर लेना है। देखिए, मैंने ये दोनों साइड से पट्टी फोल्ड कर लिया है। अब इसको मेन कपड़े के साइड इसको फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग लगा लेना है। तो ये हमारा इस पर काज होगा, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने दोनों पट्टी को अटैच कर लिया है। तो देखिए, एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई भी, बस आपको हुक लगा देना है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये हमारा पीछे वाला भी पार्ट रेडी है। अब हम आगे वाले पार्ट को ले लेंगे और इनके शोल्डर को आगे और पीछे वाले पार्ट को ऐसे एक साथ रख के इसके ऊपर से देखिए मैं कैसे इसके ऊपर रख के दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और आधा आधा इंच लेके हमको कंधे को जोड़ना है। आधा इंच से अधिक नहीं लेना है, नहीं तो हमारी ब्लाउज छोटी हो जाएगी। तो दोनों साइड हमको एक दूसरे के ऊपर रख के और आधा आधा इंच लेके कंधे को ज्वाइन कर लेना है। फिर इस पर हमको ध्यान से आपको दो सिलाई लगा लेना है, जिससे कि यह हमारा बिल्कुल पक्का हो जाए, नहीं तो बाद में ये पहनने के बाद उखड़ भी सकता है। दो सिलाई की वजह से ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अच्छे से। फिर इस ब्लाउज को हम ऐसे रख लेंगे और इसको हम उल्टा करेंगे और पीछे वाले साइड में हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग वाले साइड से 5 इंच लेना है और 4 इंच लंबा ये हमारा प्लेट रहेगा। तो 4 इंच लंबा हम प्लेट का निशान लगा दिए हैं। फिर दूसरे साइड भी फिटिंग वाले साइड से 5 इंच लेना है और 4 इंच लंबा इस प्लेट को लेंगे। तो ये हमारा प्लेट जो है पीछे वाले साइड लगेगा, पीछे की फिटिंग के लिए। इससे हमारी पीछे की फिटिंग अच्छी आएगी। फिर इस दोनों प्लेट को हमको आधा आधा इंच कपड़ा लेके और लगा लेना है, जैसे कि हम सादा ब्लाउज में प्लेट लगाते हैं। नीचे से चौड़ा रख के ऊपर कम करते हुए उतार देना है, आपको नीचे ऊपर ध्यान से कम करते हुए उतार देना है, नहीं तो वहाँ पे हमारा फूला फूला सा दिखने लगता है। तो ये मैंने पीछे भी 2 प्लेट लगा दिया है। अब मैं इन दोनों साइड में एक कच्ची सिलाई लगा दूँगी फिटिंग वाले साइड में। ये हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। देखिए, मैं दोनों साइड कच्ची सिलाई लगा दी हूँ और जो आर्महोल में थोड़ा सा निकला हुआ कपड़ा है इसको मैं हटा दूँगी। और ये जो हमारी ब्लाउज है आधी रेडी है। अब इसमें हमको बस बाजू अटैच करना है।
तो अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो फिटिंग वाले साइड में कच्ची सिलाई लगाने से फ़ायदा होता है कि हमारी जो ब्लाउज है बिल्कुल अच्छे से सिलने बनती है। आप चाहे तो वो ना भी सिलाई लगाए, डायरेक्ट बाजू अटैच करके ही लगा लीजिए। देखिए बाजू के बीच से मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ, इस कट का मैं यूज़ आपको बताऊँगी। तो जो मैंने फिटिंग वाली साइड में एक कच्ची सिलाई लगाई थी उसको थोड़ा सा हटा लूँगी, और हटाने के बाद ये जो हमारा दोनों आगे पीछे का कंधा ज्वाइंट हुआ है वहीं से इस कट को रख के हमको दोनों साइड बाजू को जोड़ना है। इस कट से हमको बहुत फ़ायदा होता है, दोनों साइड हमारी बाजू बराबर लगती है, जैसे कि हमारा आगे भी उतना ही बाजू का कपड़ा जाता है और पीछे भी उतना ही बाजू का कपड़ा जाता है। तो आपको पहले एक बाजू के बीच में कट लगा लेना है, फिर जहां हमारा आगे और पीछे का कंधा ज्वाइंट हुआ है वहीं से इस कट को रख के दोनों साइड हमको सिल लेना है, और बाद में एक और सिलाई लगा के इसको भी पक्का कर लेना है। तो देखिए यहाँ भी आपको दोनों कपड़े को बराबर ही रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। आगे पीछे वही करते हैं तो हमारा बाजू को पहनने के बाद खिंचाव खिंचाव सा दिखने लगता है, तो वो हमारा अच्छा नहीं लगता है। तो आपको टाइम लगे लेकिन आपको ध्यान से सिलना है। देखिए एक साइड मैंने बाजू को अटैच कर लिया है, ऐसे ही हमको दूसरे साइड भी बाजू को अटैच कर लेना है। तो यहाँ भी हमको आधा आधा इंच कपड़ा ही लेना है, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही दोनों कपड़े को बराबर रख के अटैच कर लेना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा उतना ही हम सबको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। और फिर ये मैंने बाजू को अटैच कर दिया है, और ऐसे ही आपको दूसरे साइड भी बाजू को अटैच कर लेना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। और ये देखिए मैंने दोनों साइड बाजू को अटैच कर लिया है। अब मैं बताऊँगी ब्लाउज की फिटिंग कैसे किया जाता है। तो पहले आपको अपने नाप वाली ब्लाउज से जो हमारी बाजू की गहराई सॉरी चौड़ाई है उसको नाप लेना है। तो फिर ये मैंने बाजू को नाप ली, जो हमारी बाजू के साइड जो रहेगी वो रहेगी 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर से हम बाजू के फिटिंग का निशान लगा देंगे। फिर इसकी जो कमर है 28 है, तो 28 की चौथाई भाग होता है 7 इंच। तो 7 इंच का कमर और ऊपर से हम 5.5 इंच पे निशान लगा के इसको ऐसे हमको दोनों निशान को एक साथ मिला के और फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। तो आपको अपना बाजू मेजरमेंट कर लेना है कि उसकी जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो कितने पर है। और ऐसे ही जैसे देखिए इसमें भी मैं 5.5 इंच पे लगा रही हूँ और कमर का चौथाई भाग 7 इंच। फिर इन दोनों निशान को मिला के मैं इस पर फिटिंग का निशान लगा दूँगी। अगर आपको ब्लाउज से डायरेक्ट ब्लाउज की फिटिंग करनी हो तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आपको और भी कुछ सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हमारी ब्लाउज रेडी है, तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।